विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उसे भुनाने का सियासी दम अब भी नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास रामलीला मैदान में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो कहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तेजस्वी यादव भी उन नेताओं में आते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। सब लोग एकजुट हुए, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के ठीक एक घंटे के बाद मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार के मसले पर जमकर हमला बोला। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था, नतीजा चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान रुकेगा नहीं। रामलीला मैदान की रैली में जो पहुंचे या जिन्होंने टीवी पर इसका प्रसारण देखा या रेडियो पर नेताओं की वाणी सुनी, उन्हें याद आ रहा होगा 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही बात 10 साल बाद भी पीएम मोदी दोहरा रहे हैं। करप्शन के खिलाफ मोदी रोकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। लिहाजा मैसेज साफ है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो बख्शे नहीं जाने वाले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो मांगे पढ़ी जो रामलीला मैदान में रखी गई। प्रियंका गांधी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी जिसे गठबंधन ने तैयार किया है। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया पर गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। रामलीला मैदान से विपक्षी एकता की धार कितनी तेज हुई ये तो वोट पड़ने का गुणा भाग तय करेगा, 4 जून को रिजल्ट तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने जो जवाब दिया है उसे सुनिए। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। 2024 के समर का शंखनाद सुपर संडे को तो हो गया, लेकिन किसके कितने मुद्दों के कितने तेज हथियार हैं, किसके पास वोटरों को बूथ तक लाने की कितनी क्षमता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि 400 पार की चर्चा छोड़ भी दीजिए तो मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो अभी कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके दामन पर दाग है, उनका जेल जाना तय समझिए, क्योंकि खुद मोदी कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं।